हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। मैं हमेशा से असाधारण चीजों से आकर्षित रहा हूं, इसलिए जब मुझे एक पुराने परित्यक्त आश्रम के भूत दौरे पर जाने का मौका मिला तो मैंने इस अवसर का लाभ उठाया। इस दौरे का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति ने किया था जिसने खुद भूतों को देखने का दावा किया था, और उसने हमें कुछ सबसे डरावनी कहानियां सुनाई जो मैंने कभी सुनी थी। जैसे ही हम शरण के अंधेरे धूल भरे गलियारों से गुजर रहे थे, मैं अपने ऊपर डर का भाव महसूस कर रहा था। हवा सड़न की गंध से घनी थी और मैं हमारे चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुन सकता था। मैं अपने कंधे पर नजर रखता रहा, आश्वस्त था कि मेरा पीछा किया जा रहा था। एक स्थान पर टूर गाइड ने हमें एक कमरे के सामने रोका जिसके बारे में उसने कहा कि यह विशेष रूप से प्रेतवाधित था। उसने हमें बताया कि कमरे में एक युवा महिला की हत्या कर दी गई थी और कहा जाता है कि उसका भूत अभी भी उस जगह पर भटकता है। फिर उन्होंने हमें अंदर जाकर स्वयं देखने के लिए आमंत्रित किया। पहले तो मैं झिझक रहा था, लेकिन अंततः मैं सहमत हो गया। कमरा छोटा और अंधेरा था और बीच में एक सिंगल बेड था। टूर गाइड ने हमें बिस्तर पर बैठने के लिए कहा और वह हमें भूत के बारे में और कहानियां बताने लगा। जैसे ही वह बात कर रहा था, मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी ठंडक महसूस होने लगी। मैंने कमरे के चारों ओर देखा और मैं शपथ ले सकता था कि मैंने अपनी आंख के कोने से कुछ बाहर निकलते देखा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। टूर गाइड ने बात करना जारी रखा, लेकिन मैं अब ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। मैं यह जानने की कोशिश में बहुत व्यस्त था कि मैंने क्या देखा है। क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी या यहां कुछ वास्तविक था? मैंने उठकर जाने का फैसला किया। मैं अब उस कमरे में नहीं रहना चाहता था। मैं टूर गाइड की ओर मुड़ा और उसे बताया कि मैं बाहर जा रहा हूं। उसने सिर हिलाया और कहा कि वह समझ गया। मैं कमरे से बाहर निकलकर दालान में चला गया। मैंने ताजी हवा में गहरी सांस ली और मुझे लगा कि मेरा डर कम होने लगा है। मैं भ्रमण समूह में वापस चला गया और हम अपने रास्ते पर चलते रहे। मैंने उस युवती का भूत कभी नहीं देखा, लेकिन उस कमरे में मुझे जो भय का अनुभव हुआ, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मुझे अब भी आश्चर्य होता है कि क्या मैंने जो देखा वह सच था या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। लेकिन एक बात पक्की है कि मैं फिर कभी भूतों के दौरे पर नहीं जाऊंगा। अधिक दिलचस्प डरावनी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।